नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज शनिवार की कथा में आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो तंत्र अघोर मंत्र या फिर जो सुपरनेचुरल हंट आकस्मिक धन की प्राप्ति के दौड़ में जो खजाने की खोज में लगे रहते हैं ऐसे लोगों ने सुना होगा, आम लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा इस कहानी को कि किसी के घर में दबा हुआ खजाना है और उसको निकाला जाता है। तो माना ये जाता है जो गड़ा हुआ खजाना होता है उसको सीधे आप नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए तांत्रिक प्रयोग होता है और तांत्रिक शक्तियां होती हैं, जो पारलौकिक शक्तियां होती हैं उनके प्रयोग से ही ये धन निकलता है। लोग अघोरियों के पास या मौलाना के पास जाते हैं, ऐसा कारी साहब के पास, ताकि ये धन निकल सके। तो आज एक प्रत्यक्ष घटना आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस धन को निकाला गया और फिर कैसे निकाला जाता है ये भी बताऊंगा आपको। हमारे राज्य में एक स्थान है, वहां पर एक बाशिंदा था, उसको ये आभास था कि उसके खेत में गड़ा हुआ धन है। गड़ा हुआ जो धन है उसके बारे में आपको कैसे पता चलता है? एक तो सर्प का आगमन उस क्षेत्र में, खनखनाहट, खनखनाहट की आवाज़, जो जमीन का अधिकारी होगा या उत्तराधिकारी होगा उसको खजाने का सपना आना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंकित करती हैं कि किसी ज़मीन में खजाना है कि नहीं है। इसके बाद उस ज़मीन का जो खुशबू होता है, जो एक तांत्रिक सूंघ के बता देता है या पढ़ के बता देता है कि उस ज़मीन में खजाना है कि नहीं है। तो इस खेत के बारे में कई एक तांत्रिकों ने बोला कि इस ज़मीन में खजाना है। खजाना का निकालना, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर किसी को संन्यास लेना है या फिर तंत्र मार्ग में आगे बढ़ना है, साधना मार्ग में आगे बढ़ना है, तो ये भिखारियों का काम नहीं है, क्योंकि तंत्र मार्ग में एक एक चीज़ें लगती हैं जो कि बहुत महंगी आती हैं। इस साधना में क्योंकि सनातन पद्धति से नहीं हो रही थी, तो कुछ इस्लामिक पद्धति के मौलाना द्वारा उस खजाने को निकालने की बात हुई और मौलाना ने कहा था कि जब वो धन निकाल लेगा उसके बाद ही वो पैसे लेगा। लोग तैयार हो गए, जेन्युइन लग रहा था मामला। जिस दिन कार्यक्रम होना था उस दिन मौलाना कुछ लोग उस स्थान से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक दूसरे स्थान पर गए। देखो, जब भी ऐसा काम होता है तो एक तो जो मालिक होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, उसके बाद बहुत सारे बिचौलिए होते हैं। उसमें कुछ ऐसे बिचौलिए होते हैं तो जो ज़मीन मालिक को लेके आते हैं जिसके पास खजाना हो, कुछ ऐसे होते हैं जो तांत्रिक को लेके आते हैं, और एक तीसरा धड़ा होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आता है जो अगर कोई भी खर्चा हो तो वो खर्च दे। तो पूजा शुरू हुआ, जैसे ही पूजा शुरू हुआ तो एक अजीब सा दृश्य लोगों ने देखा। ऐसा लग रहा था कि जमीन से सिक्कड़ बाहर आ रहा है और सिक्कड़ के पीछे बंध के खजाना आ रहा है, और वो मौलाना किसी से आकाश में बात करता था, और निकालो और निकालो। सामने लोगों ने देखा कि चांदी का बिस्किट उस जगह पर बाहर आने लगा जमीन से। मौलाना ने एक बिस्किट निकाला और अगले को दे दिया, बोला कि इसको रखो, ऐसा और भी है इसमें, इसमें सोना भी है, उसके बाद कुछ और जादुई तिलिस्मी बातें होती हैं जैसे कॉपर इरिडियम, राइस पुलर, वो भी है, सोने के सिक्के हैं, सोना का घड़ा है, ये सब भी निकलेगा, लेकिन अभी मैं थक गया हूँ तो अभी भोजन का व्यवस्था करो। भोजन वोजन हुआ, उसके बाद बकरे का व्यवस्था हुआ,
उसके बाद मौलाना ने कहा कि कुछ ऐसी सामग्री चाहिए जिसमें 50 से 60 हज़ार का खर्चा आएगा, क्योंकि जिन्न मेरा थक गया है, तो उसको भी भोजन देना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका खजाना है तो जिन्न को निकालने में तकलीफ हो रही है। 60 हज़ार रुपये का तुरंत व्यवस्था हुआ, उसको मिला। उसने फिर कुछ सामग्री लाया, सामग्री का फिर प्रयोग हुआ, फिर कुछ 2-3 चांदी के सिक्के, कुछ और सामग्रियां बाहर आईं। विश्वास था, और विश्वास पर वो मौलाना खरा भी उतर रहा था, पैसे खुद ले नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा उसको आकाशवाणी हुआ कि जो जमीन के अंदर के देवता हैं वो बाकी खजाना देने के लिए नहीं मान रहे, उनको भोग चाहिए। तो भोग की व्यवस्था तो सनातन में भी होती है। मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने बताया भी था कि हर 9 फीट के बाद अलग देवता देवी देवता होते हैं, और हर का भोग अलग होता है। तो जमीन से जब भी आप कुछ लेते हैं, एक पेड़ का अगर आप जड़ भी तोड़ते हैं तो उसको भी निमंत्रण देके भोग देते हैं। तो बात समझ में आने वाली थी कि अच्छा, मतलब भोग मांगा जा रहा है तो भोग देना होगा। तो क्या भोग लगेगा भाई? तो बोला गया कि कस्तूरी ही जिनका भोग होता है, जो देवता अंदर बैठे हैं, जो जिन्नात अंदर बैठे हैं, उनका भोग कस्तूरी है। अब मामला फंस गया, क्योंकि कस्तूरी कोई ऐसा सामान नहीं है जो कि आप बाजार से ले लेंगे। कस्तूरी का प्रयोग शायद 1 ग्राम 2 ग्राम कुछ छुप छुपा करके तंत्र प्रयोग में होता है, लेकिन एक पूरा कस्तूरी, उसके बाद कस्तूरी का टेस्ट भी बताया जाता है कि ऐसी कस्तूरी होनी चाहिए जो नाक के पास ले जाते ही नाक से खून फेंक दे, इतना उसका तेज गंध होना चाहिए। बोला अगर वो कस्तूरी दोगे तभी काम होगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। अब लोगों ने चंदा करना शुरू किया, एक ने अपना जमीन गिरवी रख दिया, मिला जुला करके मौलाना को एक एक करके, क्योंकि जब कस्तूरी लाने की बात हुई तो किसी के औकात की बाहर की बात थी कस्तूरी लाना। मौलाना ने उसकी जिम्मेदारी ली, कोई बात नहीं है, हम फिर अगले सप्ताह इसकी खुदाई करेंगे और उस समय हम कस्तूरी लेके आएंगे, उनको भोग देंगे और बाकी जो भी धन है वो निकल जाएगा। सब खुश थे, सब करोड़पति एक सप्ताह में। जो भी पैसा जुट रहा था ये लोग जोड़ जाड़ करके मौलाना को पहुंचा रहे थे, मौलाना आगे उसको कस्तूरी वाले को पहुंचा रहा था। एक बार 3.5 लाख रुपए हो जाए तो वो कस्तूरी आए और ये लोग काम आगे बढ़ाए। अंतोगत्वा ये हुआ कि न पैसे पूरे हुए, न कस्तूरी आई, न बाकी का धन निकला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कहानी थी। ये एक कहानी नहीं है, ऐसी बहुत कहानियां होती हैं, और हर एक कहानी में चांदी का सिक्का निकलता है, कई एक में सोने का सिक्का निकलता है। जो चांदी का सिक्का निकलता है वो हमेशा आपने जितना पैसा दे रखा है उससे बहुत कम पैसे का होता है। जैसे इस कहानी में उसने 60 हज़ार रुपये पहले कमा लिए, फिर जो कस्तूरी के लिए पैसे गए और कस्तूरी नहीं आई, वो पैसा भी वो डकार गया, क्योंकि उसे पता था कि सामने वाले की औकात 3.5 लाख की नहीं है, और आपको दिए क्या 2-3 चांदी के सिक्के। जब सोना निकलता है ऐसे खुदाई में, तो वो खुदाई करके बकरे मुर्गे पे, खुदाई भी कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। तो खुदाई करके उसके बाद बोलेगा इसकी शुद्धिकरण करनी होगी, शुद्धिकरण नहीं होगा तो ये सब पीतल हो जाएगा। और सही में एक सप्ताह बाद जो सुनहरा रंग है वो चला जाता है, वो सिक्के सारे पीतल के हो जाते हैं। शुद्धिकरण में ऐसे जड़ी लगती है जो कि लाखों की आती है, तो चाहे तो लाखों रुपए दो या फिर अपने खजाने से हाथ, अब उसके लिए लोग लाखों रुपए दे देते हैं, फिर कुछ गलती होती है और वो पीतल का हो जाता है। ये कहानी हर एक उस व्यक्ति के साथ हुई होगी जो इन सब चक्करों में पड़ता है। देखो अब मैं समझाता हूं तुम लोगों को ये कहानी क्यों सुनाई। तंत्र में बहुत विद्याएं हैं, हमारे पास भी बहुत सारी साधनाएं हैं, लेकिन मैं अपनी एक साधना किसी और के लिए क्यों बेकार करूंगा, पहला विषय। दूसरा, शक्तियों से जो जो लेता है उसका 3 गुना उसको वापस करना पड़ता है,
तीसरा, जो व्यक्ति खुद गड़ा धन निकाल सकेगा वो दूसरे के लिए क्यों निकालेगा, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ऐसे जो ऐसी कहानियों में होता क्या है, ऐसी कहानियों में ये होता है कि ये होते हैं मदारी। एक सच्चा सिद्ध कभी इन सब चीजों में आम व्यक्ति को नहीं ढकेलेगा। एक सच्चा सिद्ध हमेशा आपको इन सब चीजों से दूर करेगा कि इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है। तो क्या ये विद्या मिथ्या है? नहीं, विद्या मिथ्या नहीं है। जमीन में गड़ा हुआ खजाना निकलता है। ये एक सिस्टम बना हुआ था जब राजघराने हुआ करते थे, या फिर मंदिरों का जो धन था उसको जो छुपा जाता था उसको मांत्रिक बांधते थे और फिर बंधन से निकालते थे, और जब बांधते थे तो उस पर कोई ना कोई शक्ति को आड़ूड करते थे। ये खजाना कहाँ मिलता है? ये राजभवनों में मिलता है। आज भी जो राजा का जो परिवार होगा, राजाओं का जो वंशज होगा, या मंदिर की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें मिलती है, ठीक है। लेकिन क्या ये बिना उत्तराधिकारी के आप निकाल सकते हैं? नहीं, अगर जमीन के उत्तराधिकारी आप नहीं हैं तो आप इसको नहीं निकाल सकते। जमीन आपने खरीदी है तब भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या इसमें बहुत पैसा खर्च होता है? हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इसमें पैसा खर्चा, लेकिन निकलने के बाद नहीं, निकलने से पहले ही इसमें जो धन का खर्चा होता है वो होता है। और हाँ, जड़ी बूटी इसमें आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन आपसे कोई पैसे लेके वो जड़ी बूटी नहीं देगा आपको। ऐसे जड़ी बूटियां होती हैं। अंतिम बात, अब जो ट्रिक होता है उसमें क्या होता है ये समझ लो। जो कथा मैंने आपको अभी बताया, जो कि जिसमें चेन की तरह या फिर बहुत ही एक करिश्माई ढंग से पैसा बाहर निकलता है, इसमें तीन पार्टियां होती हैं। पहला चोर होता है जमीन मालिक, दूसरा चोर होता है मिडिल मैन जो कि तांत्रिक को लेके आता है, और तीसरा चोर होता है तांत्रिक, ठीक है। जमीन मालिक भी जानता है कि वहां कुछ नहीं है, मिडिल मैन भी जानता है वहां कुछ नहीं है, तांत्रिक भी जानता है वहां कुछ नहीं है। वहां पे लगता है पूरा फिल्मी सेटअप, ठीक है। और वहां पर जो मरता है वो मरता है पैसा लगाने वाला। वो जो पैसा लगाता है उसके पैसे जाते हैं, बाकी सब वो पैसा बांट के खा जाते हैं। तो अगर आपको कहीं किसी के जमीन में बताया जा रहा है कि गड़ा धन और निकलेगा तो आप करोड़पति हो जाइएगा, तो उससे 10 कोस आप दूर हो जाइए। दूसरा, अगर आप बहुत परेशान हैं और आपके दिमाग में ये खुरापात है कि आपके जमीन में खजाना है, ठीक है, और आप एक बार जब आपने सोच लिया तो आपको सपने भी वैसे आएंगे, तो आपको ऐसे मदारी पकड़ लेते हैं, और जब ऐसे मदारी आपको पकड़ते हैं तो आप चाहते हैं उस पर विश्वास करना। वो सामने से आप पे ठगी करेगा तब भी आप चाहते हैं कि आप उस पर विश्वास करें, तो वो मिट्टी कोड़ के एक चांदी का सिक्का आपको दे के आपको 50,000 का चूना लगा के चला जाता है और आप विश्वास ही करते रह जाते हैं, ठीक है। तो मूलभूत बात ये कि विद्याएं बहुत हैं, लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि फ्री में अमीर बन जाए तो जिस चीज का आप उपभोग करने के लिए पैदा नहीं लिए हैं वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लालच मत करो, साधना करो और पैसे कमाओ। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। इसमें आसन, बंधन और जितने तरीके की साधना होती है जो अघोर में आने से पहले आपको जाननी चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya.com अभी मेंटेनेंस में है, लेकिन आप उस पर जाकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9431188585 पे, उस पर भी अपॉइंटमेंट लिख सकता है। डायरेक्ट कॉल करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, ऐप स्टोर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल मिलेगी, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप सभी को भैरव कमाने खाने की बुद्धि दे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।